गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस साल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माइनिंग माफिया नहीं चलेगा, माइनिंग माफिया नहीं चलेगा, माइनिंग माफिया नहीं चलेगा, माइनिंग माफिया नहीं चलेगा, माइनिंग माफिया नहीं चलेगा। तो मैं माफी मांगना चाहता हूं अपनी मीडिया के भाइयों से और मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों से जो आज जिनको हमने यहां बुलाया। देखिए, हम सभी जानते हैं ये बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, कोरोना के कारण लोगों की जान जा रही है, लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के नेता हो या बीजेपी की सरकार कहें, लोगों को सुविधा देने की बजाय लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है ये दूर हो, इसकी बजाय ये आज भी चमचागिरी करने में, चोरी करने में लगे हुए हैं। और कल ही ये प्रमाण मिले हैं कि जो माइनिंग का माफिया चल रहा है, जो घोटाला चल रहा है, उसके राज कल ही बाहर निकले हैं। साथियों, आपको याद होगा तो लगभग एक महीने पहले हमने ये पूछा था, जो 1000 की चाहे रेता हो चाहे बजरी हो जो एक आम आदमी अपने घर में लेता है, आज वो 6000 की पड़ रही है, ये 5000 कहाँ जा रहा है? प्रशासन खा रहा है, बीजेपी खा रही है। और कल इनके नेता ने, विक्रम रंधावा ने ये बता दिया है कि इसका हाथ जो है, इसकी एजेंटगिरी, इसकी दलाली जो है, जतेंद्र सिंह जो पीएमओ में बैठे हैं दिल्ली में, वहां पे बैठ के कर रहे हैं। साथियों, ये 5000 का जो वो है पैसे जो है, ये आम आदमी के पैसे हैं। वो एक आदमी पूरी उम्र की पूंजी जो इकट्ठी करता है, वो अपने घर बनाने के लगाता है। मान लीजिए 10 लाख की रेता बजरी उसने अपने घर में लगानी है और आज 10 लाख की जगह 60 लाख लग रहा है, ये 50 लाख बीजेपी नेता की जेब में, जतेंद्र सिंह की जेब में जा रहे हैं। और ये बात उनके घर वालों ने ही साबित कर दी है। हमारी ये मांग है कि इस समय जब कोविड सर पे है, जब लोगों की जानें जा रही हैं, लोग तकलीफ में हैं, हॉस्पिटल में मदद करने की बजाय, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियों को दूर करने की बजाय ये आज भी दलाली कर रहे हैं, आज भी लोगों का खून चूस रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमें भी डर है जो इतने लोग हुए हैं, और आप लोगों को भी। लेकिन फिर भी हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी अभी भी बाज नहीं आ रही है। कोविड के समय जब लोगों की सेवा करनी है, जाने बचानी है, आज भी दलाली करने में लगे हैं। इसलिए हमारी मांग है जतेंद्र सिंह इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये प्रोटेस्ट चलेगी और लोगों के घर घर तक ये बात जाएगी कि जब भारत सरकार की जरूरत जनता को थी, जम्मू के लोगों की थी, ये आज भी पैसा लूटने में लगे, हमारा खून चूसने में लगे।